फिफ्थ क्लास आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स चैप्टर की हम पहले भी दो वीडियो शेयर कर चुके हैं आज, इसके हम नोट्स करते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है। इसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, इफ़ यू मूव टूवर्ड्स द राइट फ्रॉम जीरो मार्क ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज। यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है और लेफ्ट में जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नंबर लाइन शो होती है, ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, जीरो से राइट वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले नेगेटिव। जितना ज़्यादा लेफ्ट में होगा उतना ही नेगेटिव होता जाएगा और जितना पॉजिटिव होगा वो राइट में होगा, ठीक है। ओके ओके, तो जैसे हम राइट की तरफ चलेंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा और लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है, ये बात हमें पता लग गई है। उसके बाद जो नंबर नेगेटिव होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं सबको मिला के जो कलेक्शन बनता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। नेगेटिव साइन की हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम लेफ्ट में चलते हैं और राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव साइन की जरूरत पड़ेगी। इज दिस ओके, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर की हमें देखो रियल में जरूरत कहाँ पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है जब हमें कोई चीज़ अपोजिट दिखानी हो। अपोजिट दिखाने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ऊपर जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव, लेकिन अगर हम समुद्र की गहराई में जा रहे हैं तो दैट इज़ नेगेटिव। तो ज़ीरो क्या हुआ, ज़ीरो होगा अर्थ की सरफेस, ठीक है, सरफेस के कंपेयर हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, कि अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में हम किस तरफ जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ओके, इज दिस ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाँ अच्छा, एक जगह और हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपने सुना होगा माइनस में टेम्परेचर चला गया, माइनस टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ज़ीरो से भी ठंडा। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगता है कि नेगेटिव कहाँ होगा और पॉजिटिव कहाँ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ज़ीरो, ज़ीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है, इज दिस ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, इसमें है कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें इंटीजर मिलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों इंटीजर अगर प्लस में है तो हमारे पास आंसर भी प्लस का ही आएगा, ठीक है, दैट इज़ सिंपल नेचुरल नंबर रूल्स या होल नंबर रूल, ठीक है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास इनके साइन अलग हो। तो इसमें है कि अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव हैं, अगर दो इंटीजर है दोनों के दोनों नेगेटिव है और उनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो नेगेटिव ही आएगा, इज दिस ओके, ठीक है। इस तरह से हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, इज दिस ओके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, तो उन दोनों को ऐड नहीं करेंगे तो उनको माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हमें कहा गया है कि दो इंटीजर्स को ऐड करने में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो उनका साइन देखेंगे। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनको चाहे उन्होंने ऐड कहा हो लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दीज आर सम बेसिक रूल्स। तो उसके बाद फिर आता है कि सर साइन कौन सा लगाएंगे, तो साइन आप लगाओगे जो बड़े के साथ है। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन का ध्यान कैसे रखना पड़ेगा कि जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है एक प्लस का 4 और एक माइनस का 9, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो एक प्लस है और एक माइनस है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन साइन किसका लेंगे, जो नंबर वैल्यू में बड़ा है, ठीक है। हालांकि हमें पता है कि जो राइट में आते हैं वो बड़े होते हैं और लेफ्ट में आते हैं जो छोटे होते हैं, तो हमें सिर्फ इसके नंबर को देखना है, साइन को नहीं देखना, ठीक है। माइनस 9 वैसे छोटा है, ठीक है, लेकिन 9 तो बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर है उसके साथ वाला साइन हम यूज़ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, प्लस का 8 है और माइनस का 3 है, तो इसमें से बड़ा कौन है, 8 या 3, तो 8 बड़ा है तो 8 वाला साइन यानी प्लस का साइन इसमें आ जाएगा, ठीक है, पता लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए लार्जर पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर द डिफरेंस इज अ नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें एक रूल का ध्यान रखना है और वो कि साइन कौन सा आएगा, ठीक है, हमें साइन का ध्यान जरूर रखना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए लार्ज पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर द डिफरेंस इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर ये लाइन है वो गलत लिखी हुई है, यहाँ पर आएगा व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, नहीं नहीं सही है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ लार्ज पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम लार्ज नंबर को छोटे में से माइनस करते हैं, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर
आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। माइनस हमें नॉर्मल करना है लेकिन आंसर नेगेटिव आ जाएगा। एग्जांपल एक और ले लीजिए, 6 माइनस 4 बताइए कितना होगा, दैट इज़ 2, लेकिन 4 माइनस 6 कितना होगा, तो -2, क्योंकि 4 छोटा है और 6 बड़ा है। इज दिस ओके, ठीक है। उसके बाद है टू सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर में से आपको माइनस करना है तो हमें उसका क्या करना है, एडिटिव इनवर्स को ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि इसका देखो, ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज समझते हैं। माइनस का 5 और माइनस माइनस का 8, तो दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये है -5 + 8, ओके दिस ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। तो आपको बेसिक साइन के रूल आपको याद होने चाहिए कि साइन हमें कैसे कैसे यूज़ करने हैं, इज दिस ओके, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटीजर्स के जो बेसिक नोट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इंटीजर्स की वर्कशीट नंबर 1 है ये, वैसे ओवरऑल वर्कशीट नंबर 21 है। तो इंटीजर के हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज अपोजिट ऑफ 50 किलोमीटर ऑफ साउथ, 50 किलोमीटर ऑफ साउथ का अपोजिट क्या होगा। तो आंसर है माइनस का 50 किलोमीटर ऑफ साउथ, या फिर साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए तो इसको आपको सोच के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का। एक मिनट के लिए पॉज करो, फिर अपना आंसर मैच करना। तो आपने क्या सोचा इसका आंसर, इसने कहा है 20 डिग्री सेल्सियस अबोव जीरो, जीरो से अबोव मतलब ऊपर की तरफ या फिर राइट की तरफ, तो इसका आंसर 20 आएगा, बी ऑप्शन बी, ठीक है। अगर इसमें बिलो होता तो -20 आ जाता, ठीक है। 30 वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3, विच नंबर इज टू द राइट टू द ऑफ द अनदर नंबर ऑफ द लाइन 0, -1। हमारे पास दो नंबर है, 0 और एक -1, तो आपको बताना है इसमें से लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। तो ठीक है, एक मिनट का पॉज करके इसको सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर आप आंसर मैच करना। इसका आंसर क्या आएगा कि -1 लेफ्ट, 0 राइट, तो इसका आंसर आया -1 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0, या फिर 0 इज ऑन द राइट ऑफ 1, तो इसका आंसर भी हमारे पास बी ही आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए, सेकंड का बी, थर्ड का बी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट का पॉज लेके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एक बार। फोर्थ क्वेश्चन का आपने क्या सोचा, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो साइन माइनस का आता है और सिंपल ऐड करना होता है, तो इसका आंसर -23 आया, तो डी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आपने क्या सोचा, माइनस का 4 और फिर प्लस का 3, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, तो 4 बड़ा है, तो 4 - 3 दैट इज 1 और -1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिक्स क्वेश्चन है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी डैश इंटीजर, तो पॉजिटिव किससे बड़ा होगा, तो आंसर है नेगेटिव से बड़ा होगा, तो इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, और दूसरा इसका आंसर क्या सकता है, 0, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो 0 से भी तो बड़ा ही होगा, देन एवरी लिखा है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसके अंदर नेगेटिव आएगा, इज इज ओके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिलअप जो है 7 वो देखिए, फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट डैश इज इट वैल्यू, जैसे जैसे आप 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इंक्रीज होती जाएगी, इज इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, या नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। -26 इज डैश देन -25, तो आपको बताना है ग्रेटर या स्मॉलर, तो -26 और -25 में से बड़ा कौन है, तो -26 लेफ्ट, -25 राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, -26 इज स्मॉलर देन -25, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सही साइन लगाना है, इसमें सही साइन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। 150 मीटर बिलो सी लेवल, समुद्र तल से 150 मीटर नीचे, जो समुद्र है हमारा सी लेवल, उससे आप गहराई में जा रहे हैं तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइन, तो -150 मीटर आ गया, और 30 डिग्री सेल्सियस अबोव 0 डिग्री, तो इसका आंसर +30 डिग्री आ गया, ठीक है। इसमें आपको ग्रेटर देन और लेस देन बताना है, तो 0 > -15 या -15, तो 0 माइनस वाला लेफ्ट में होगा, 0 राइट में होगा, इन दोनों कंपेयर करें तो 0 बड़ा हो गया, उसी तरह से -13 लेफ्ट में 13 राइट में, तो ये लेस देन आ जाएगा, -13 इज
लेस देन प्लस 13, ओके। विच इंटीजर लाई बिटवीन माइनस 8 एंड माइनस 2, तो माइनस 8 और माइनस 2 के बीच में कौन कौन आता है, तो नंबर लाइन आपको बताई थी, ठीक है। तो माइनस 7 भी इसका आंसर आएगा, 6543, ठीक है, सारे के सारे माइनस के, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 2 नहीं, माइनस का 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, ठीक है। इसके पांच आंसर आ सकते हैं, तो आप इसका कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इंटीजर्स के वर्कशीट्स को करना है। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो आज हम इन चार क्वेश्चंस को करते हैं 6.1 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आप इन फोर क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4 का बाकी के चार पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार इसको ट्राई कीजिए, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करो और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो। देखो क्या है कि इंटीजर जो है ये हमारे नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, वैसे वैसे नंबर सिस्टम की स्टडीज़ और भी होती जाएगी, थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटीजर्स की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसको लर्न करो, काफ़ी चीज़ें जिसमें नई आई है एक बार उनको ऑब्जर्व जरूर करना है, अच्छे से नोट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।